हेलो, चलो आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा चैप्टर है, हमारे हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है। पीरियड की, बेसिकली पीरियड की चैप्टर में बात की जाएगी। द मॉडर्न एम्पायर, द मॉडर्न एम्पायर एम्पायर कुछ पता है आपको इसके बारे में? अगर आपको, आप ये चैप्टर ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हो फिर तो आपको पता ही होगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ाता, सपोज करते आप नहीं पढ़ाए हुए, आपको पढ़ा नहीं हुआ होता, तो आपको इससे पहले क्या पता था इसके बारे में कि मॉडर्न एम्पायर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? तो आपने अब तक ये तो सीख रहे हो कि हम वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। 2 सेकंड जरा, ठीक है ना? दो वर्ड से मिलकर ये बना है, एक मॉडर्न वर्ड, एक एम्पायर, यानी किसी ना किसी के एम्पायर की बात की जा रही है। किसी के एम्पायर की बात की जा रही है। किसके एम्पायर की बात की जा रही है? किसी मॉडर्न की। कुछ मॉडर्न्स रहे हैं, उन्होंने एम्पायर बनाया होगा अपना बहुत बड़ा, तो उनके बारे में चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में चैप्टर पढ़ाया जाएगा। यानी कि सच चैप्टर में पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया। हमारा तो सबसे बड़ी ड्यूटी, हमारी सबसे पहली ड्यूटी तो ये बनती है कि इन मॉडर्न्स के बारे में जाने, इन मॉडर्न्स के बारे में जाने, और एक चीज़ इनके एम्पायर के बारे में थोड़ा सा जाने। अब इस चैप्टर में क्या बताया वो अलग बात है, पर हमें एक चीज़ जाननी चाहिए कि मॉडर्न थे कौन, है ना? तो आई थिंक आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अगर सुना हो कभी हिस्ट्री में, अच्छा तो पढ़ लिया फिर तो ठीक ही है। अगर नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना हो ना हो, तो बेसिकली ये एम्पायर उनका एम्पायर, जिसमें से अगर नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा नहीं लिखा हुआ, ये नाम लिखा हुआ है, ये सबसे पहले किंग थे या सबसे पहले एम्परर थे। क्योंकि एम्पायर बात कर रहे हैं तो एम्पायर के साथ जो वर्ड लगाएंगे वो एम्परर लगाएंगे, ना कि किंग, है ना? तो इस एम्पायर के सबसे पहले एम्परर थे, या फिर बोलूँ इस एम्पायर के फाउंडर थे, जिन्होंने ये एम्पायर क्रिएट किया था, बनाया था, शुरुआत की थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये जो नाम है ना, ये मौर्य आपको लगता होगा सरनेम इनका, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सरनेम है, ये इनकी माँ के नाम पर बना हुआ है। इनकी माँ का नाम आमनट और मौरा या मौरी करके था, मौरा या मौरी था। तो उन्होंने अपनी माँ के नाम को अपने नाम के ऐड किया और एक नया नाम बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। और आप कहोगे सर इन्होंने अपना नाम क्यों लगाया, चंद्रगुप्त ने अपने नाम के आगे चंद्रगुप्त ने अपने नाम के आगे मौर्य क्यों लगाया? तो चंद्रगुप्त ने भी लगाया, मौर्य नहीं लगाया, उनके जो गुरु थे उन्होंने नाम दिया था। चंद्रगुप्त के जो गुरु थे उन्होंने चंद्रगुप्त को नाम दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने नहीं रखा ये नाम, उन्होंने नहीं रखा ना, उनके पेरेंट्स ने रखा ये नाम, उनके गुरु ने रखा था, उनके टीचर ने रखा था, जिनका नाम है चाणक्य, जिनका नाम क्या है, चाणक्य या फिर कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य नाम से वो फेमस हैं। आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, बताने से चैप्टर में दिया नहीं दिया हुआ। वो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ये काफ़ी छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी छोटी फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, करते थे। तो क्या होता है, एक बार की बात है, ये अपने टाउन में रह रहे थे, अपने टाउन में ये रह रहे थे। तो वहाँ का एक राजा था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम था उनका, रुकने दे रहा है 2 सेकंड, रुकने दे रहा है, मैं विंडो क्लोज कर दूँ। पढ़ाई हो रही है ना?
आई ट्राई टू से द वॉइस थोड़ा कम हो जाए। टाउन में लोग बड़े खुशी से आराम से रह रहे थे, खुशी से आराम से रह रहे थे। चंद्रगुप्त बाहर खेलने के लिए जाता है, चंद्रगुप्त बाहर किसी काम से या किसी खेलने के पर्पज से मैं टाउन में नहीं होता है, टाउन से दूर होता है यानी अपने घर से। टाउन भी नहीं बोलूंगा, इसके लिए इनकी बस्ती जो होती है बस्ती में रहते थे, है ना, काफी गरीब है ना, तो प्रॉपर इनका घर भी नहीं था, बस्ती में रहते थे। तो एक दिन की बात है, वहाँ के जो उस टाइम पर जो एम्परर होते थे, उस टाइम पर जो राजा होते थे, उन्होंने इनकी बस्ती में आग लगवा दी। उन्होंने इनकी बस्ती में क्या लगवा दी, आग लगवा दी। तो पूरी बस्ती जल गई, बस्ती तो जली ही जली, वहाँ के वहाँ पे रहने वाले लोग भी सारे जल गए, इन सभी की जलकर डेथ हो गई। और अनफॉर्चुनेटली जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त के पेरेंट्स की वो डेथ वहाँ पर हो गई। चंद्रगुप्त को कुछ नहीं पता था, ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। वो एक बार की बात है कि वो लौट कर आता है, वो लौट कर आता है और वो देख, चंद्रगुप्त के एक्चुअली पेरेंट्स की मौत नहीं होती है, उनकी डेथ नहीं होती, उनके फादर की डेथ ऑलरेडी हो चुकी होती है, उनकी मदर जो होती है उनकी डेथ नहीं होती है। उनको क्या होता है, जो रूलर होता है वहाँ का वो उनको पकड़ कर ले जाता है, उनको बंदी बनाकर ले जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त को पता नहीं होगा, चंद्रगुप्त को पता नहीं होगा। चंद्रगुप्त वापस आता है अपने घर की तरफ, तो वो देखता है कि वहाँ पर टाउन में तो उसकी बस्ती में तो आग लगी हुई है, सारे घर जल गए, घरों के बाहर, घरों के अंदर जो लड़े लोग हैं, घर के बाहर भी जो लोग हैं, वो सब लोग जल चुके हैं। ठीक है, वो अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन उसको उसकी माँ कहीं नहीं दिखाई देती है, और उसको लगता है कि उसकी माँ भी जलकर मर गई, उनकी भी डेथ हो गई, उनको ऐसा लगता है। इनको ये पता होता है कि ये किसने कराया, इनको किस एनी हाउ पता लग जाता है कि ये किसने कराया। तो उसी टाइम में कसम खाते हैं, उस टाइम में प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि रिवेंज लेंगे। ये क्या लेंगे, अपनी मम्मी का, अपने परिवार का, अपनी बस्ती का बदला लेंगे, किससे, जिसने आग लगवाई। जा मेरे को रूलर का नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक चैप्टर में होगा। ठीक है, तो बदला लेते हैं, बेसिकली बदला लेने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग करते हैं, है ना। तो ट्रेनिंग तो एक बार की बात होती है, इनको गलती से अनफॉर्चुनेट मतलब लकीली इनको चाणक्य से इनकी मुलाकात हो जाती है। इनको चाणक्य के बारे में कुछ नहीं पता होता, ना चाणक्य को चंद्रगुप्त के बारे में कुछ पता होता है, लेकिन चाणक्य जो थे वो काफ़ी होशियार इंसान थे, काफ़ी होशियार, मतलब हमारे हिस्ट्री में अगर देखा तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा। उन्होंने चंद्रगुप्त को देखते ही पहले ने पहचान लिया कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, ये लड़का एम्परर बनने लायक है, उन्होंने पहचान लिया। वो उसे एनी हाउ फिर अपने साथ लेकर गए तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उस टाइम की सबसे बेस्ट, इनफैक्ट एशिया में, पूरे एशिया में, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, एशिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वो। ये आज से बहुत टाइम पुरानी बात है, बहुत टाइम पुरानी, फॉरेन के, आज के टाइम पे हम लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भागते हैं। उस यहाँ हमारे इंडिया में तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भागते थे। ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी के टीचर थे बेसिकली, तो वहाँ पर इनको लेकर गए, वहाँ पर इन्होंने इनकी सिखाई फाइटिंग वगैरह कैसे करते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह, राजनीति वगैरह सब कुछ सिखाया। उसी बीच चाणक्य, क्योंकि मतलब अब काफ़ी स्टोरी है, ये बार बार उस गांव में जाते रहते थे जहाँ पर चंद्रगुप्त रहते थे, वहाँ पर जाते रहते थे, तो इन्होंने उनको उनकी माँ भी मिल गई। एक बार की बात है ना, एक्चुअली मेरे को याद नहीं कन्फर्म, तो उनकी माँ को इन्होंने बताया कि मैं चंद्रगुप्त को ट्रेन कर रहा हूँ, मैं चंद्रगुप्त को ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, किस लिए, कि वो इस गंगे रूलर को, जो उस टाइम का जो रूलर था एग्जिस्टिंग उस टाइम का, है ना, उसको वो हरा सके, ठीक है, और नया रूलर बन सके। उसकी माँ क्योंकि छोटे परिवार से बिलोंग करते थे, वो घबरा गई, उन्होंने कभी बदले वगैरह के बारे में कभी सोचा ही नहीं, वो घबरा गई। वो चाणक्य से कहने लगी कि नहीं, मुझे कोई भी बदला नहीं लेना, बदला क्यों लेना, वो डर गई थी। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा अगर उनसे लड़ेगा तो वो मर जाएगा, हार जाएगा, मार देंगे वो लोग, तो वो डर गई थी। उन्होंने कहा मुझे कोई बदला नहीं लेना, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तब उन दोनों के बीच में, चाणक्य के बीच में, उनके माँ के बीच में, हाँ मौरा नाम था, मौरा याद आ गया मुझे, है ना, मौरा या मूरी नाम था, मूरी नाम था, मूरी आई थिंक, हाँ मूरी, मूरी, हाँ मूरी, बिल्कुल। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन हुई,
चाणक्य ने एने उन्हें समझाया, कन्विंस किया कि आपका बेटा श्रेष्ठ है, आपके बेटे में काबिलियत है ना, ये वो बनाया। और उन्होंने कहा, उन्होंने उस टाइम उनकी माँ से प्रॉमिस किया कि मैं लेकर तो चंद्रगुप्त गया था, मैं लेकर तो चंद्रगुप्त गया था, बट मैं लेकर चंद्रगुप्त मौर्य लाऊंगा। तो मौर्य उन्होंने इस तरह से बोला, और मौर्य उन्होंने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य मूरी, मूरी का बेटा मौर्य, मूरी का बेटा मौर्य। तो उन्होंने इस तरह से प्रॉमिस किया था, उस तरह से इनका नाम पड़ गया चंद्रगुप्त मौर्य। ये हिस्ट्री थी। अब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। द मॉडर्न एम्पायर वॉज फाउंडेड इन द 4th सेंचुरी। ओहो कितनी पुरानी बात है, 2000 ईयर्स तो ये हो गए, 400 ईयर्स ये, यानी 2400 ईयर्स पुरानी तो बात है ये, है ना। बात चंद्रगुप्त मौर्य, ही ऑर्गेनाइज अ पावरफुल आर्मी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ वास्ट एम्पायर। लेड मतलब क्या होता है, फैलाना, है ना। ही ओवर थ्रू द नंदाज फ्रॉम, हाँ उसका नाम नंदाज था, नंदा डायनेस्टी के रूलर, नंदा डायनेस्टी का रूलर था वो। ही ओवर थ्रू द नंदाज फ्रॉम मगध एंड द ग्रीक सत्रप्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड यूनिफाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर हिज सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। सो दिस सक्सेसर बिंदुसार केप्ट द मौर्यन एम्पायर इंटैक्ट एंड फर्दर एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्रीज। कुछ वर्ड्स आए जो आपको नोट कर लेने चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो, ओवर थ्रू, फ्रंटियर, यूनिफाइड, सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रलाइज्ड, इंटैक्ट। रिन, रिन सामना, रिन नहीं, इसको भी रिन ही पढ़ा जाता है, ठीक है। द रिन ऑफ बिंदुसारा सन अशोका कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट पीरियड्स इन द इंडियन हिस्ट्री। आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका डिवोटेड हिज लाइफ टू ह्यूमन हिज सब्जेक्ट कंसीडर्ड हिज सब्जेक्ट्स एज अ चिल्ड्रन ही बिल्ट मेनी मार्वल्स इन आर्ट एंड हैव सर्वाइव्ड अप टू दिस डे। आई थिंक यहाँ पर तो कोई ऐसा वर्ड है नहीं जिसका मीनिंग आपको ना पता हो, ठीक है। हम ऊपर वाले की मीनिंग लिखते हैं। ओवर थ्रो मतलब क्या होता है, उठाकर फेंक देना, उठाकर फेंक देना। सर यहाँ पर उठाकर फेंकने से मतलब क्या, लोगों को हरा देना और उनको यहाँ से भगा देना, लोगों को हरा देना और यहाँ से भगा देना, ठीक है। फ्रंटियर लिखो, फ्रंटियर, फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर। यूनिफाइड लिखो, यूनिफाइड, यूनिफाइड मतलब एक कर देना। सब कॉन्टिनेंट तो मतलब पार्ट्स, सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या, पार्ट्स ऑफ कंट्री, पार्ट्स ऑफ कंट्री, है ना। सेंट्रल इसका मीनिंग है नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, मतलब ऐसा कोई मेरे को लिखा लिख मीनिंग है, मेरे को समझाना पड़ेगा अभी। इंटैक्ट मतलब एज इट इज, एज इट इज यानी जैसे का तैसा, मतलब जैसा का जैसा, हमने उसमें कोई चेंज ही नहीं किया। इंटैक्ट एज ए एस इट इज, एज इट इज कहते ना, एज इट इज रहने उसको, यानी कुछ भी चेंज मत करो, एज इट इज, एज इट इज, है ना। एक्चुअली चाणक्य जी, चाणक्य जो थे ना, उन्होंने उस बच्चे पर मतलब चंद्रगुप्त पर ऐसे मेहनत नहीं की थी, ऐसे ही मेहनत नहीं की थी उन्होंने अपना, मतलब काफी टाइम, 10-15 साल सिखाने में लग जाते हैं एक बच्चे को, उन्होंने वो 10-12 साल दिए तो एवं ही नहीं दिए, उनका भी एक बेनिफिट था, उनका भी बेनिफिट था। एक्चुअली बात यह है कि एक बार की बात है, जो चाणक्य जो होते हैं हमारे इंडिया पे, पर्शिया के एक रूलर था, पर्शिया के एक रूलर था चंगेज खान, आई थिंक, नॉट श्योर, है ना, बस आप नाम पे मत जाना, आप स्टोरी पे ध्यान देना कि चंगेज खान नाम का पर्शिया का रूलर था, एक पर्शिया का रूलर था जो इंडिया पर, जो बाकी जो पूरे वर्ल्ड को जीतने के लिए आ रहा था, पूरे वर्ल्ड को, सॉरी एलेक्जेंडर, हाँ चंगेज खान नहीं, एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने सुना होगा उसके बारे में, है ना, पढ़ा भी होगा। फिर
फिलीपींस का रहने वाला था आई थिंक, है ना, आपको पता होगा, इसने पूरी दुनिया जीती थी, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट, है ना, बहुत ताकतवर इंसान था। ये खबर चाणक्य को लग गई, चाणक्य को लग गई कि एलेक्जेंडर जो है वो पूरी दुनिया पर अटैक करता रहा, पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है, सभी को अपने एम्पायर में तरह हर वो एक एक देहा एक एक करके देशों में जा रहा है, अलग अलग कंट्रियों में जा रहा है, वहाँ के रूलरों को हरा रहा है, हरा रहा है, ऑफर दे रहा है कैसे भी एनी हाउ करके उनको हरा कर अब उस जगह को अपने कंट्रोल में ले रहा है। ठीक है, ये चीज़ अब बोला एलेक्जेंडर जो था अब वो इंडिया की तरफ भर चुका था, इंडिया की तरफ भर चुका था, यानी वो इंडिया को भी इंडिया पर भी अटैक करने आ रहा था। ठीक है, ये बात पता चली चाणक्य को, ये बात पता लगी चाणक्य को। तो उस टाइम पर सबसे बड़ा जो किंगडम था उस टाइम पर, मतलब वो जिस जगह पर रहते थे वो मगध के अंदर आता था। हम मैंने आपको अगर बताया तो ये स्टेट वगैरह सिटी वगैरह तो बनी है, पहले सिटी वगैरह नहीं होते थे, सिटी का नाम ही नहीं होता था, टाउन होते थे, विलेज होते थे और प्रोविंस होते थे। ठीक है, और जहाँ पर किंग रूल करता था उसको किंगडम बोलते थे। तो हमारा जो इंडिया था ना, जैसे आज के टाइम पर 29 स्टेट्स में डिवाइडेड डिवाइडेड है, तो उस टाइम पर वो स्टेट्स में नहीं किंगडम में डिवाइडेड होता था, किंगडम मतलब कि हर जगह का अलग एक राजा। ठीक है, तो हमारा इंडिया काफी छोटे छोटे पार्ट्स पर डिवाइडेड था। ठीक है, हर जगह का कोई ना कोई राजा था, तो भी जगह पर रहते थे मगध, है ना। आई थिंक आज के नाम बिहार की जगह है ये, बिहार के आसपास, नॉट श्योर, है ना, बहुत पुराना नाम है। तो ये है ना जिस जगह पर रहते थे मगध के अंदर आता था, तो इन्होंने अपने राजा को सलाह देना चाहिए, इन्होंने अपने राजा को सलाह देना चाहिए कि ऐसे ऐसे एक एलेक्जेंडर नाम का एक इन्वेडर है जो पूरी दुनिया पर अटैक करता जा रहा है, उनको अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है, अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें इंडिया के सभी किंग्स को क्या करना होगा, अपने साथ एक करना होगा, क्योंकि अगर हम एक करेंगे तभी हम उस एलेक्जेंडर से जीत पाएंगे, अदरवाइज हम उस एलेक्जेंडर से जीत नहीं पाएंगे। तो ये प्रपोजल लेकर, ये प्रस्ताव लेकर ये नंदा रूलर के पास गए, यानी उस टाइम का जो रूलर था उसके पास वो गए, क्योंकि इनको अपने इंडिया की चिंता थी, इनको अपने भारत की क्या थी, चिंता थी। ठीक है, अब उस टाइम का जो, अब जो रूलर गए, रूलर कहाँ का था, मगध में रहता था, मगध में गए वो मगध रूलर के पास। मगध का रूलर थोड़ा सा बेकार इंसान था मतलब। ठीक है, उन्होंने जब ये सुना, चाणक्य की बात सुनी, हंसने लगा वो रूलर हंसने लगा। ठीक है, और कहने लगा कि, और वो थोड़ा इगोइस्ट था, उसने कहा मुझसे ताकतवर तो कोई है नहीं, मुझसे ताकतवर तो कोई है नहीं, और उस एलेक्जेंडर को तो मैं इजीली हरा लूंगा, उस एलेक्जेंडर को तो मेरी आर्मी इजीली हरा लेगी। ठीक है, और उसको आने में अभी कोई टाइम है ना, मतलब उसको आर इजीली हरा लेंगे। ठीक है, तो इस बात पर चाणक्य, क्योंकि इसे डरते नहीं थे, चाणक्य किसे डरते नहीं थे, वो डर कर रहने वाले लोग नहीं थे, और वो क्योंकि पढ़े लिखे भी थे तो वो डरते तो वैसे नहीं थे। और उस टाइम पर ऐसा होता था कि पंडितों पर कोई मतलब हाथ नहीं उठाता था, पंडितों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, तो हम पढ़ भी चुके हैं, तो पंडित थे, ब्राह्मण थे ये। ठीक है, तो ये इन चीज का भी इनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता था, उनकी आदत ऐसी हो चुकी थी कुछ भी कह दें, और क्योंकि इनको पता होता था कि सामने वाला कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की उस टाइम पर इज्जत की जाती थी बहुत ज्यादा, आज भी की जाती थी, समय बहुत ज्यादा की जाती थी, भगवान माना जाता था इनको एक तरह से। ठीक है, और टीचर भी था, टीचर की भी बहुत मतलब रेस्पेक्ट की जाती थी गुरुओं के उस टाइम पर, आज के टाइम पर तो नहीं की जाती इतनी, उस टाइम पर बहुत की जाती थी। तो इन दोनों चीज से थोड़ा इनका नेचर जैसे उनके थे कि डरते नहीं थे कुछ लोग कहने से। तो उन्होंने सीधे शब्द में बोला कि आप की आर्मी और आप उस एलेक्जेंडर का अकेले कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मतलब ऐसे नहीं बोला पर यही बात बोलती है ना, इसी तरह से बात घुमा फिरा के मतलब कैसे बोली होगी ये बात। उसको लगे बुरी, ये बात उसको लग गई, किसको बुरी, किसको बुरी लग गई, उस नंदा रूलर को, नंदा रूलर को। और नंदा रूलर ने इनकी चोटी पकड़कर इनको अपने महल से बाहर निकाल दिया, अपने महल से बाहर निकाल दिया, इनकी इंसल्ट करते हुए, इनकी इंसल्ट करते हुए इनको अपने महल से बाहर फेंक दिया, मतलब चोटी पकड़ कर धक्का मार दिया सीढ़ियों पर से ले जाके। तो इनको भी आया गुस्सा, इनको भी आया गुस्सा, तो ये भी उससे बदला लेना चाहते थे, ये भी नंदा रूलर से क्या लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। तो लेकिन ये तो खुद कर नहीं सकते क्योंकि ये पंडित थे, ये तो ये कि लड़े, इनको लड़ा लड़ना नहीं आता था। तो इन्होंने ढूंढा, इन्होंने कोई ऐसा इंसान खोजा, मतलब इस तलाश में थे कोई ना कोई तो मिले कि मैं इससे बदला ले सकूं।
तो बस इसको एक टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य मिल गए और उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर बहुत काबिल है कि वो सुनंदा रूलर को हरा सकते हैं। तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए, अपना बदला लेने के लिए उन्होंने एक तरह से कह सकते हो कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या ट्रेन किया। तो बेसिकली उस टाइम पे मैंने आपको बेसिकली सब कॉन्टिनेंट का मीनिंग बताना चाह रहा था। तो उस टाइम पर क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था इंडिया बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड था, चाणक्य का सपना था कि उसको अखंड भारत के लिए, अखंड अखंड मतलब क्या, अखंड मतलब होता है एक साथ, अखंड मतलब विभाजन, पार्ट पार्ट को हिंदी में खंडवा बोलते हैं। तो ये भारत को अखंड भारत बनाना चाहते थे। अखंड भारत मतलब क्या, यूनाइटेड भारत, यूनाइटेड या फिर यूनिफाइड, यूनाइटेड मतलब एक साथ और यूनिफाइड मतलब भी एक साथ। तो वो चाहते थे कि भारत के सारे प्रोविंस जो हैं, जो भी जितने राज्य हैं, जो भी डिविजन है, वो सब एक ही हो जाए, वो सब क्या हो जाए, एक हो जाए। मतलब उसका कोई अलग, उसके देने के पूरे इंडिया को 25 किंग संभाल ले। नहीं 25 किंग नहीं चाहिए हमें, सब कॉन्टिनेंट नहीं चाहिए हमें, पार्ट्स नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि उसका एक ही किंग हो, सेंट्रलाइज्ड, एक ही जगह से एक सेंटर पे उसका किंग हो, और किंग के नीचे भी छोटे छोटे मिनिस्टर होने चाहिए। तो एक ही किंग होना चाहिए, सारे किंग मिलकर एक ही पोजिशन, एक ही किंग बनाए और वो अपने अपने काम संभाले। तो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाना चाहते थे उस टाइम पर, ठीक है। तो ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ भी उनके टाइम पर, जब वो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य किंग बने तब ऐसा हो भी गया, ठीक है। फिर बता रहे हैं सक्सेसर बिंदुसारा केप्ट द मौर्यन एम्पायर इंटैक्ट एंड फर्दर एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्रीज। उनके सक्सेसर थे यानी उन्होंने, जिन्होंने इनके पोजीशन को सक्सेसर के, इनके जो बेटे हुए बिंदुसारा, उन्होंने मौर्यन एम्पायर को इंटैक्ट रखा यानी एज इज रखा, बल्कि है ना यानी उसको कोई आंच नहीं आने दी, कुछ बुरा नहीं होने दिया, बल्कि जो बाउंड्रीज थी उनके यानी उनका जो किंगडम था उसको और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। दादिन ऑफ बिंदुसारा सन अशोका कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पीरियड्स इन द इंडियन हिस्ट्री। वो कह रहा है बिंदुसारा के बेटे का जो शासन शासन काल था, दादिन मतलब क्या, रूलिंग पीरियड, रूल करने का पीरियड। तो बिंदुसारा के बेटे अशोक दी ग्रेट, अशोका दी ग्रेट का जो रूलिंग पीरियड था वो इंडियन हिस्ट्री में सबसे बढ़िया पीरियडों में से एक पीरियड माना जाता है। आफ्टर द कलिंगा वॉर, कलिंगा का वॉर जो होता है, कलिंगा आई थिंक आज के टाइम बंगाल को बोलते हैं, सॉरी उड़ीसा को। तो वहां पर जो वॉर हुआ था अशोक, तो उसके बाद उस वॉर के बाद अशोक ने मतलब उस वॉर में काफी हार्म हुई थी, काफी हार्म, काफी लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, कुछ लोग भी, लोग बहुत सारे लोगों की भी डेथ हुई, ठीक है। और उस टाइम पर बुद्ध आए ही आए था, बहुत बुद्ध रिलीजन, ठीक है। तो उन्होंने उस वॉर के बाद बुद्ध रिलीजन को प्रॉपरली अपना लिया और लड़ना छोड़ दिया, लड़ना छोड़ दिया और अपनी पूरी है ना उसके बाद लड़ना छोड़ दिया बेसिकली। और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ ह्यूमन वेलफेयर में लगा दी। ही कंसिडर्ड हिज सब्जेक्ट्स एज हिज चिल्ड्रन, ये बहुत अच्छी थी, मतलब अपने प्रजा को ये अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। He built many marbles and art and architecture. सब थैंक को आर्किटेक्चर के, तो उन्होंने कई सारे मार्बल्स में डिजाइन आर्ट्स बनवाए, आर्किटेक्चर्स बनवाए। सम ऑफ विच हैव सर्वाइव अप टू दिस डे, उनमें से कुछ आर्किटेक्चर्स आज भी जिंदा हैं, आज भी वो मार्बल्स आज भी जिंदा हैं, मतलब सर्वाइव कर रहे हैं। ये तो हिस्ट्री थी यहाँ तक की। अब वो कह रहा है सोर्सेस जो इन्होंने बताया अभी तक, जो अभी तक हमें जाना, ये हमें कैसे पता चला, का सोर्स क्या है, ये जो बुक में भी जो लिखा हुआ है कहाँ से आया बुक वालों के पास। तो आप देखोगे तीनों चारों चैप्टरों में जो भी हमने अभी तक तो पढ़े हैं प्रीवियसली हिस्ट्री में, सेम पैटर्न रिटर्न हो रहा है, हम उसमें लेटर सोर्सेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेम पैटर्न। तो आपने अगर एक चैप्टर के नोट्स समझ लिए तो आप बाकी चैप्टर के इजिली नोट्स बना सकते हो। सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस यानी कुछ लिटरेचर वर्क था, कुछ ना कुछ तो हमें पता चला लिटरेचर से, कैसे पता चला लिटरेचर से। है ना, और कुछ हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से, आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या, अब जो पत्थर वगैरह से खुदाई वगैरह करके हमें पता चलता, मोस्टली दो ही सोर्सेस होते हैं, हमने ऊपर चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक तो अभी आएगा, इसके बाद ही रहा, यहाँ से इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, कहाँ गया, यहाँ से मौर्यन एम्पायर से।
तो लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज में इनको कैसे पता चला? तो कुछ बुक्स हैं, एक अर्थशास्त्र बुक है उस बुक को पढ़ के हमें पता चलता है बहुत कुछ, एक इंडिका बुक है उसको पढ़ के हमें पता चलता है बहुत कुछ, है ना। तो पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब ये समझो ये बुक इन्होंने लिख दी, यही प्रूफ है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। आज के टाइम पर ये सब्जेक्ट है, आज के टाइम पर ये सब्जेक्ट, और ये वो सब्जेक्ट है जो बताता है किसी भी घर को, किसी भी फैमिली को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंट्री को कैसे चलाया जाए प्रॉपर पैसों का यूज करके। आज के टाइम पे जब कंट्रियां संभालते हैं तो ये जिस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है अर्थशास्त्र, आज के टाइम पर बिजनेस चलाते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है अर्थशास्त्र, और ये वो चीज लिखी गई जो आज के टाइम पर भी काम में आती है। इतने टाइम पहले 2400 ईयर्स पहले ऑलमोस्ट ये वो चीज लिखे गए इस बुक के अंदर जो आज भी पढ़ी जाती हैं। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य, कौटिल्य क्योंकि इनका नाम था, ठीक है, चाणक्य का नाम एक कहता कौटिल्य, है ना। तो इनकी एक बुक है अर्थशास्त्र कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र से हमें बहुत कुछ पता चलता है, पढ़ने करके लिखा हुआ है। ऑफ ऑल द लिटरेरी सोर्सेज ऑन द हिस्ट्री ऑफ मौर्य, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज द अर्थशास्त्र। वो कह रहे हैं मौर्यों की अगर हिस्ट्री के बारे में आपको जानना है तो ऐसे तो बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, यानी ऐसे तो बहुत सारे लिटरेचर वर्क हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो अर्थशास्त्र ही है, क्योंकि वो पीरियड इनके टाइम का पीरियड था और ये इन्हीं की खुद की लिखी हुई है। तो ऑब्वियसली अगर खुद की चीज हो अगर उन्होंने लिखी है तो ये तो बेटर लिख पाएंगे। हेटन बाय कौटिल्य ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त, जो इनका घर का नाम था बेसिकली, बर्थ नेम था यहाँ पर चाणक्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, है ना, ये तीन इनके नाम थे आपको याद रखने हैं। वो कौन थे? ही वॉज एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त। सर अभी तो आपने बोला गुरु थे, अरे गुरु तो तब थे जब किंग नहीं बने थे, जब चाणक्य किंग नहीं बने थे तब ये गुरु थे, लेकिन किंग बनने के बाद अब उस किंग को क्या क्या एडवाइस चाहिए, क्या क्या एडवाइस नहीं चाहिए, ये चीजें बताने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। और राजा का काम क्या होता है? चीजों को ध्यान रखता है, कमांड देता है, लेकिन राजा को भी तो सलाह चाहिए होती है। तो चैम्बर सिस्टम होता था, एक ना एक होशियार इंसान उनका सहायक होता था, एडवाइजर इसको बोलते हैं। तो चाणक्य कौन थे? उनके एडवाइजर थे, और वो उनके किंगडम के प्राइम मिनिस्टर भी थे। उनका किंगडम तो बेसिकली पूरे इंडिया में उनका किंगडम था उस टाइम पर। तो अर्थशास्त्र इज रिटन इन संस्कृत, अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखे, उस टाइम पर वो संस्कृत में लिखी गई थी। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल, एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड, डिटेल्ड मतलब डिटेल से भी ज्यादा डिटेल्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ रहेगा उसके बाद उसके अंदर किस चीज के, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल है जो किसके बारे में डील करता है, जो किससे डील करता है, पॉलिटिक्स, रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बताया था ना किसी भी चीज को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, किसी को कैसे चलाया जाए, वो सब अदर सच पॉलिटिकल टॉपिक्स और रिलेटेड टॉपिक्स भी इसके अंदर लिखे गए हैं। द बुक वॉज डिस्कवर्ड इन 1909। सर इस बुक को, बुक हमें मिली कब? ये बुक हमें मिली कुछ टाइम पहले 1909 में, 1909 में, यानी आज से कुछ कितने हो गए, आज से कुछ 100 ईयर्स पहले, है ना। इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन नाउ अवेलेबल, और आज के टाइम पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका है इंडिका। सर इसके अंदर याद क्या करना है अगर मैं आपको बताऊं तो? याद नहीं चीजें, ये मतलब याद क्या किया गया है, याद क्या करना है, पर ये समझो इसके अंदर बताया क्या क्या गया है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको इम्पोर्टेंस बताई गई है कि अर्थशास्त्र की क्या इम्पोर्टेंस है, अर्थशास्त्र की क्या इम्पोर्टेंस है, सब वो इम्पोर्टेंस कैसे बताई गई है। पहली तो पहली लाइन ने बता दी कि हैं तो बहुत सारे मॉडर्न के टाइम के बहुत लिटरेरी वर्क हैं, लेकिन इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? एक तो लिखी किसने है, उन्होंने जो खुद उनके एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर थे जिनके एम्पायर है, दूसरा एक डिटेल्ड स्टडीज के अंदर लिखी हुई है किसका ना, पॉलिटिक्स के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, इम्पोर्टेंस के बारे में बेसिकली बताया गया है। तो ये इम्पोर्टेंस आपको याद रखनी, इसके अंदर कुछ नहीं। फिर एक दूसरी बुक है इंडिका, फिर एक दूसरी बुक है इंडिका, ये किसने लिखी थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो एम्बेसडर थे, एम्बेसडर कौन थे बेसिकली, ओ,
आपको मैं बताऊं, मैंने एलेक्जेंडर था, एलेक्जेंडर जो अटैक करने के लिए आ रहा था, तो इनके दूत होते हैं, इनको बोलते हैं दूत मैसेंजर। इनका काम क्या होता है, पहले मैसेज देते हैं हम मतलब उस टाइम पर ही, मतलब सिस्टम होता है, ये नहीं कि कोई भी आके किसी घर में आके लड़ने लगे, नहीं। जब पुराने टाइम पर एक राजा दूसरे स्टेट में जाके अटैक करता भी था ना, तो पहले तो वहां पर जाके वार्निंग दिया जाती थी, मैसेज दिया जाता था कि ऐसे ऐसे हम आपके किंगडम पर, आपके प्रोविंस को अपने किंगडम में शामिल करना चाहते हैं, या तो आप हमें फ्रेंडली टर्म्स में हमारे साथ जुड़ जाओ, आप फ्रेंडली टर्म्स में, ठीक है, कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी, कोई हार्म नहीं होगा, ना इंसानों का ना पैसों का, कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप फ्रेंडली टर्म्स पे अगर हमें हमारे साथ नहीं आते हो, हमारे साथ नहीं आते हो, तो आप फिर हमें फोर्सफुली अटैक करना होगा, और अटैक करके आपको हरा कर आपको किंगडम जीतना होगा। तो ये काम करने के लिए मैसेंजर होता था, मैसेंजर जिसको बोलते हैं एम्बेसडर, आज के टाइम पर भी होता है। आज हमें फॉरेन में जाकर कोई बात करनी होती है, फॉरेन रिलेटेड कोई भी बात प्रेजेंट करनी होती है कहीं भी जाकर, तो एक एम्बेसडर होता है, वो जाता है फॉरेन कंट्री में, और वहां पर जाकर वहां के प्रेसिडेंट वगैरह यानी वहां पर जो भी लोग होंगे वहां पर जाकर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको बोलते हैं एम्बेसडर। तो उस टाइम पर जो एलेक्जेंडर का जो एम्बेसडर था, एलेक्जेंडर का जो एम्बेसडर था मेगस्टनीस, उसने भी बुक लिखी है अपनी इंडिका। सर उसने कैसे बुक लिख ली, उसको कैसे इंडिका ने पता, जब चंद्रगुप्त मौर्य किंग बन चुका था तब वो भी इंडिया में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के पास मैसेज लेकर कि ऐसे ऐसे हम अटैक करना चाहते हैं, वो ऐसे ऐसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं आपके इंडिया पर, हमने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जीत ही ली है, हमने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जीत ही ली है, एक आपका इंडिया रह गया, आपका भारत रह गया, भारत क्या, भारत उस टाइम पर बहुत बड़ा था, भारत के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान वगैरह आते थे, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान वगैरह ये सब आते थे। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे आ रहे हैं, अब आप बताओ फ्रेंडली टर्म्स हमें देना चाहोगे, नहीं देना चाहोगे, या फिर अटैक करना चाहोगे। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत होशियार, और उनके पीछे महाहोशियार कौटिल्य, ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से बात घुमाई, इस तरह से उन्होंने बात नहीं की, ना तो उन्होंने मना किया, ना तो उन्होंने मना किया कि मतलब फ्रेंडली टर्म्स के लिए बोला था, हाँ या ना, मैं तो बोलेंगे, तो उन्होंने मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, ठीक है, बात ऐसे घुमा घुमा कर टाल दी। और दूसरा अटैक भी नहीं हुआ, अटैक भी नहीं हो पाया, अटैक बाद में हुआ भी था तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत भी गए थे, थोड़ी बहुत हुई थी। और मतलब इनकी जो होशियारी थी, इनकी जो होशियारी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उसको देखकर मेगस्थनीज जो था वो बहुत इंप्रेस हुआ था, और यहाँ तक इतना इंप्रेस हुआ था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनसे करा दी थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनसे करा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य से। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी मेगस्थनीज की बेटी से, अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे की शादी हुई थी इनकी बेटी से, मतलब इनकी बेटी की शादी इनके यहाँ पे हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे किसी ना किसी से, या तो इनसे इनके बेटे से, पक्का ध्यान नहीं। तो मेगस्थनीज उस टाइम पर इंडिया में आए थे, तो काफी टाइम रहे भी थे इंडिया में, है ना, तो उस टाइम पर जिन्होंने एक्सपीरियंस किया कि मॉडर्न एम्पायर कैसा है, कैसा नहीं है, कैसे यहाँ पे रूलर रहे हैं, कैसे यहाँ का रूलिंग सिस्टम है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो उन्होंने अपनी बुक में इंडिका में लिख दिया। तो इंडिका ही क्यों नाम दिया, क्योंकि इंडिया का थी ना बुक, तो वहां से इंडिया वर्ड उन्होंने ले दिया, ठीक है। तो मेगस्थनीज वॉज द ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, ही हैड बीन सेंट टू द कोर्ट बाय सेलिकुलस, ये क्यों नहीं, सेलिकुलस, सेलिकुलस कौन था, ग्रीक का रूलर था बेसिकली एक, है ना, ही रोट अ बुक नेम्ड इंडिका व्हिच कंटेन्स हिज इंप्रेशंस ऑफ व्हाट ही हर्ड एंड सॉ ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया, जब वो इंडिया में रहे उन्होंने क्या सुना क्या देखा वो सब उन्होंने उसके अंदर लिखा। मेगस्थनीज ओरिजिनल इंडिका हैज बीन लॉस्ट, उनकी जो ओरिजिनल जो बुक है इंडिका वो तो खो चुकी है, बट इट्स फ्रेगमेंट्स एंड उनके जो पार्ट्स हैं स्टिल सर्वाइव इन द राइटिंग्स ऑफ लेटर ग्रीक ऑथर्स लाइक स्ट्राबो, एरियन, डियोडोरस, इन लोगों ने उन्हीं की बुक को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो उन बुक्स के अंदर थोड़े बहुत आपको इनका कंट वो मिल जाएगा, बाकी ओरिजिनल जो बुक है वो तो खो चुकी है, ठीक है। ये चाणक्य के रियल इमेज आपको दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है, कुछ ऐसे दिखाई देते थे वो। ये तो बात होगी ऊपर लिटरेरी सोर्सेस की, कि ये दो बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलेगा, है ना, और लोगों को पता चला भी है, और दूसरा लोगों को पता चला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। पहला एडिक्स ऑफ अशोका, अशोका ने इतने मार्बल्स, इतने आर्किटेक्चर, इतने मतलब काम करा रखे हैं कि उनसे पता चलता है कि मौर्य एम्पायर कैसा था।
एंड एडिक्ट इज अ डिक्री, एडिक्ट का मतलब बता रहे हैं, एडिक्ट एक डिक्री, डिक्री मतलब ऑर्डर, ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम पर्सन, इशूड बाय द सुप्रीम पर्सन। तो उस टाइम पर सुप्रीम पर्सन कौन होते थे, किंग्स वगैरह हो गए ना, इशूड बाय द सोवरेन। द एडिक्ट ऑफ अशोका फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इन जो अशोका के जो एडिक्ट थे, यानी जो ऑर्डर थे, वो सबसे बड़ा है। वो क्या है, सबसे बड़ा क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता करने का। दे आर द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट प्रिजर्व एंड प्रिसाइजली डेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया। यानी एक तो बहुत पुराने हैं, बेस्ट प्रिजर्व, बहुत अच्छे से संभाल कर रखे भी गए हैं, एंड प्रिसाइजली डेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया। यानी इंडिया की प्रिसाइजली डेट हमें, प्रिसाइजली हमें बताते हैं कि किस डेट पर क्या काम हुआ था, एकदम एग्जैक्ट टाइम के बारे में हमें बताते हैं। ये 400 सेंचुरी का था, 3rd सेंचुरी का था। मैक्रोडी पता चल जाता है। एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स। अशोका के जो ऑर्डर थे वो कहाँ पर लिखे गए थे, वो रॉक्स पर लिखे गए थे, प्लेट्स पर लिखे गए थे, थ्रू आउट द कंट्री। यानी वो, और वो रॉक्स और प्लेट्स पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, एंड इंक्लूड 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, और उनमें 14 तो फेमस है ना, मेजर है बेसिकली। 7 प्लेट एडिक्ट्स 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, 7 प्लेट एडिक्ट्स यानी जो मेजर है, 14 तो रॉक के हैं, 7 प्लेयर के हैं, एंड अ नंबर ऑफ माइनर रॉक्स, और बहुत सारे माइनर रॉक्स भी हैं। द इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब जो लिखा हुआ है। ऑन दिस एडिक्ट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट, इससे हमें बहुत यूजफुल क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है इनटू द लाइफ, उस टाइम के लोगों के लाइफ के बारे में, एंड आइडियल्स ऑफ अशोक का, अशोक के आइडियल्स कौन कौन से थे पर्टिकुलर, है ना, एंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न्स इन जनरल, और मॉडर्न्स की जनरल लाइफ क्या होती थी, इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, इनसे हमें क्या क्या पता चलता है, हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। अशोका के आइडियल्स के बारे में पता चलता है, बारे में पता चलता है लाइफ के बारे में पता चलता है, मॉडर्न्स की जनरल लाइफ के बारे में पता चलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका रीन वॉज द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा। अशोका की लाइफ का, अशोका के रीन का, उसके रूलिंग पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर इम्पोर्टेंट हो, जब इवेंट आ चुका है, वो ये कलिंगा वॉर जीतना। ठीक है, ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, अगर आपको और मैं हिस्ट्री में जरूरी नहीं है ऐसा, मैं अगर हिस्ट्री में, तो इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट अशोक जो था, अशोका जो था, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया जीत चुके थे, पूरे इंडिया जीत चुके थे। इनफैक्ट बस उड़ीसा रह गया था, उड़ीसा रह गया था, और उड़ीसा में जो किंग था उस टाइम का, कलिंगा डायनेस्टी के जो लोग थे, वो इतने स्ट्रांग थे कि उड़ीसा पर ना ऑक्यूरेट कोई जीत ही नहीं पाया था, कोई जीत ही नहीं पा रहा था, कोई जीत ही नहीं पा रहा था। ठीक है, कोई भी रूलर था वो जीत ही नहीं पा रहा था कलिंगा में, उड़ीसा में आकर। ठीक है, उस टाइम पर कलिंगा कहते थे, उस टाइम पर उड़ीसा है। तो अशोक और अशोका थे जो कि उन्होंने पूरे इंडिया को जीता था, पूरे इंडिया को जीत लिया था, पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था, बस एक उड़ीसा रह गया था, बस एक उड़ीसा रह गया था। तो उड़ीसा जीतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जैसे वो उड़ीसा जीत जाते, एक अखंड भारत बन जाता, एक अखंड भारत बन जाता, यानी पूरा इंडिया उनके कंट्रोल में आ जाता, बस एक ही स्टेट रह गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था उनके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था उनके लिए, ये जीत हार है ना बहुत मैटर करती थी। तो ये वो जीत गए, तो जीत गए, तो एक उनका पूरा इंडिया पर कंट्रोल हो गया था। पूरे इंडिया पर कंट्रोल जाने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, है ना, और मानी जाती भी थी उस टाइम पर, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट कहा जाता है। इसलिए नहीं कहा जाता कि बहुत मतलब मेहनत लगी यहाँ पर, बेसिकली इसके से बहुत बड़ी उपलब्धि उन्हें मिली, बहुत बड़ी अचीवमेंट उनको मिली कि पूरा इंडिया ये उनके कंट्रोल में कहा जाने लगा, एक नाम मिल गया उनको कि ये इंडिया के रूलर थे, है ना, अनडिवाइडेड इंडिया के, मतलब एक यूनिफाइड रूलर थे एकदम, है ना। तो इसलिए इसको क्या मानता, मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट माना जाता है। इनडिस्क्राइबेबल सफरिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑफ द कलिंगा वॉर डीपली टच अशोका कॉन्शियस, एंड ही मेड अ सोलम रिजोल्व नॉट टू टेक अप आर्म्स एनीमोर। ये तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कलिंगा वॉर में काफी नुकसान हुआ, काफी सफरिंग्स हुई, मतलब डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, इनडिस्क्राइबेबल, आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा सफरिंग हुई, इतना अत्याचार हुआ, इतनी बर्बादी हुई उस कलिंगा वॉर में, कि उन्होंने अशोक के मन को, कॉन्शियस बोला अपना मन, अपने ब्रेन के दो पार्ट होते हैं ना मन, तो मन को बोलते कॉन्शियस, कंसाइंस नहीं, कॉन्शियसनेस, है ना, कॉन्शियस। तो अशोक के मन को बहुत टच किया ये, उन्होंने कसम खा ली, उन्होंने कसम खा ली,
क्या कसम खाई कि अब वो कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे, अब वो और तक हथियार नहीं उठाएंगे, वो और हथियार नहीं उठाएंगे। द वॉर ड्रम वॉज साइलेंस्ड फॉर एवर। वॉर ड्रम मतलब, वॉर ड्रम मतलब क्या, जो लड़ाई की जो बात होती थी। भैरी गोसा मतलब क्या होता था, जब आपको पता है जब वॉर होता था उस टाइम पर, तो एक बहुत बड़ा मतलब एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था जिसको ड्रम बोलते हैं, तो वो हमेशा के लिए साइलेंट हो गया उनके टाइम पीरियड पर, उनके टाइम पीरियड पर, है ना। भैरी घोसा, उसको हिंदी में बोलते थे भैरी घोसा, भैरी घोसा है ना, भैरी घोसा आई थिंक, भैरी घोसा। हमेशा के लिए हैंड्स फोर्थ बार हर्ड ओनली द टैग ऑफ धम्म घोस। अब उसके बाद जब ये बात सुनेंगे वो हमेशा धम्म घोस की सुनेंगे। धम्म घोस मतलब साइलेंस, और ये शोर है ना, ये शोर और ये साइलेंस। द कॉल टू नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल पीस इन पर्सन ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस अशोका प्रोहिबिटेड किलिंग ऑफ एनिमल्स। इन्होंने एनिमल्स किलिंग भी बंद करवा दी, बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे थे ना उस टाइम पे, एट द सेम टाइम। ठीक है, किलिंग बंद करा दी उन्होंने। एडवोकेट रेस्टोरेंट इन नंबर दैट हैड टू बी किल्ड इन फॉर कंजम्पशन। उन्होंने खाने के लिए मना करवा दिया, लिमिट लगवा दी कि आप ज्यादा नहीं खाओगे इनको, है ना। धीरे धीरे तो बंद करा सकते ना, तो एकदम से बंद नहीं करा सकते, तो हमने पहले लिमिट लगी नंबरों पर। प्रोटेक्टेड सम ऑफ द एनिमल्स, कुछ को तो बिल्कुल ही प्रोटेक्ट कर डाला, इनको तो बिल्कुल नहीं मारोगे। एंड इन जनरल कंडेम्ड क्रूअल एक्ट्स अगेंस्ट एनिमल्स, और जो लोग मतलब परेशान करते थे एनिमल्स को, उसको तो बिल्कुल ही मना कर दिया, उसको तो बिल्कुल मना कर दिया, लोगों को सजा देना स्टार्ट कर डाली। रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स इज मेड इन द रॉक एडिक्ट अबन विच स्टेट्स। वो कहने, अगर आपको एक इवेंट के बारे में बताएं, उन्होंने अगर हम आपको और बताना चाहें कि एनिमल्स के रिगार्डिंग उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, तो उसको आप तो उसके लिए आपको एक रॉक एडिक्ट अबन पढ़ना होगा, एक रॉक पर लिखा हुआ एक एडिक्ट आपको पढ़ना होगा, पहला वाला जो क्या बताता है, जो क्या बताता है। फॉर्मरली इन द ग्रेट रेफेक्टरी एंड टेम्पल ऑफ हेवन ब्लड द किंग पियादसी डेली वर मेनी 100,000 एनिमल्स, डेली वर मेनी 100,000 एनिमल्स सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ मीट फूड। सो इवन एट दिस डे वाइल दिस रीजन एडिक्ट इज अंडर प्रमोलिगेशन फ्रॉम द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ फूड सेम सम टू आर किल्ड और वन इज किल्ड, बट नाउ द जॉयफुल कॉरस रिजाउंड्स अगेन एंड अगेन दैट हैंस फॉरवर्ड नॉट अ सिंगल एनिमल शैल बी पुट टू डू दैट। ठीक है, पहले यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जरा उनको आप लिख लो। रेफैक्टरी, फॉर्मरली फॉर द सेक ऑफ प्रमुलगेशन रिजाउंड्स रिसाउंड्स। ठीक है, ये वर्ड्स आप नोट कर लो जरा। जो नहीं पता है वही नोट करना, जो आपको पता है वो नोट मत करना। ठीक है, मैं तो इसलिए बोलता हूँ, मेहमान खान का नहीं पता। नोट कर लिया होगा आई थिंक आप। रेफ्रैक्टरी का लिखो आप, उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉफी हाउस या फिर टी हाउस, यानी एक जगह जहां पर आप नाश्ता करते हो, है ना। कॉफी हाउस या टी हाउस लिख लो इसको। ठीक है, कॉफी हाउस ऑब्जेक्ट टी हाउस। लिख लिया। फॉर द सेक ऑफ का मतलब देखो खाते, हिंदी में बोलते खाते, फॉर द सेक ऑफ खाते। क्या तुम मेरे खाते इतना भी नहीं कर सकते, भगवान के नाम पे भीख दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो इन द नेम ऑफ गॉड, यानी इसका मतलब क्या है, फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे, तो उसको बोलते खाते, भगवान के खाते कुछ दे दे, तो खाते। आप समझ जो कि इसका मीनिंग क्या मैं लिखाना चाह रहा हूँ, है ना। प्रमुलगेशन मतलब प्रचार करना, एडवर्टाइज करना, डिक्लेयर करना, ठीक है, पब्लिसिटी करना, कुछ भी लिख लो, पब्लिसिटी लिख लो, पब्लिसिटी आपके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, है ना, पब्लिसिटी। मेरे साउंड लिखो, गूंजना, गूंजना है ना, इको। तो लिखा रहा है पहले ग्रेट रेफेक्टरी
एंड टेम्पल ऑफ द हेवन बिलव्ड किंग प्रियदर्शी, यानी पहले एक बहुत ग्रेट चाय चाय हाउस में और टेम्पल में, किसके टेम्पल में, अब द हेवन बिलव्ड किंग, हेवन बिलव्ड मतलब क्या, भगवान को प्यारे, भगवान को प्यारे मतलब जिनकी डेथ हो चुकी उनको तो भगवान को प्यारे हो गए, तो हेवन बिलव्ड किंग ऑफ प्रियदर्शी, यानी प्रियदर्शी किंग का नाम था जो भगवान को प्यारे हो चुके थे, जिनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनके रेफ्रेक्टरी टेम्पल में बेसिकली क्या होता था, डेली वर मेनी 100,000 एनिमल सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ मीट फूड, ये ट्रांसलेट किया गया बेसिकली इंग्लिश में, और जिसने भी उसको पूरी आती नहीं थी, तो उन्होंने बोला, तो यहाँ पर क्या लिखने वाले, डेली की डेली, डेली की डेली थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, 100,000 का मतलब पता है, 100,000 का लैक्स ऑफ एनिमल्स, लैक्स ऑफ एनिमल्स क्या कहते थे, सेक्रीफाइस कहते थे उनको मारा जाता था, इसलिए फॉर द सेक ऑफ मीट फूड, यानी केवल मीट के लिए, यानी केवल अपने खाने के लिए, लोगों को लोग खाने खाने के लिए डेली की डेली पूरे इंडिया में कितने लैक्स ऑफ एनिमल्स को मार दिया करते थे डेली डेली, है ना। सो इवन एट दिस डे व्हाइल द रिलीजन एडिक्टेड अंडर पब्लिकेशन, तो वो कह रहा है आज के डेट में, क्योंकि जो रिलीजन है, इस रिलीजन का जो ऑर्डर है वो अभी भी किसमें चल रहा है, पब्लिसिटी में चल रहा है, पब्लिसिटी में चल रहा है, फ्रॉम द सेक्रीफाइस एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ फूड सम टू आर किल्ड एंड वन इज किल्ड बट नॉट द जस्टफुल। तो बेसिकली किस रिलीजन की बातें कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको इतने बार दे भी चुका हूँ, बुद्धिज्म की बात करें तो, क्योंकि अब बुद्धिज्म का जो प्रचार चल रहा है, पब्लिसिटी चल रही है, जिसके अंदर मना करते हैं सेक्रीफाइस करने की, तो वो लिखा हुआ है फ्रॉम द सेक्स एनिमल फॉर द सेक ऑफ फूड सम टू आर किल्ड, तो वो कह रहा है तो हम खाने केवल खाने खाने के लिए हम दो लोगों को, दो को मार देते हैं, कभी कभी किसी एक को मारते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। बट नाउ द जो जॉयफुल कोरस रिजाउंड्स अगेन, पर अब तो हमें एक जॉयफुल साउंड हमें गूंजना चाहिए, कौन सा, कि हम इनको नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि हम लोग बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे, हम लोग बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स पर चलेंगे, अगेन एंड अगेन दैट हैंस फॉरवर्ड नॉट अ सिंगल एनिमल शैल बी पुट टू फॉरवर्ड, और आगे आगे फिर कोई भी एनिमल नहीं मारा जाएगा, आगे कोई भी सिंगल एनिमल नहीं मारा जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ सांची स्तूप, कि आप सांची स्तूप पे भी घूमने जाते हो तो आपको वहां पर भी आपको इसके पेड़ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सर कैसे मिलेगा, तो पहले बताया ना स्तूप क्या होता है, स्तूप इज अ सेमी स्फेरिकल सॉलिड डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेड ऑफ अनवांटेड ब्रिक्स एंड स्टोन, है ना, जो अनवांटेड ब्रिक्स से और स्टोन से मिलकर बना हुआ होता है। द बुद्धिस्ट स्तूप हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस, बुद्ध स्तूप जो उसके काफी स्पेशल सिग्निफिकेंस है, रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ बुद्धा, वो बुद्धा की स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में बताता है, कंटेनिंग हिज रिलिक्स, उनके रिलिक्स उसके अंदर होते हैं, जैसे कि हेयर टीथ और बोन्स, पेरी चैप्टर पढ़ चुके हैं, अ कास्केट कंटेनिंग दीज रिलिक्स इज प्लेस, एक वहां पर कास्केट रखी हुई है जहां पर इनके रिलिक्स रखे हुए हैं एट द बेस ऑफ द डोम, डोम के बेस में। द फाउंडेशन ऑफ द सांची स्तूप वाज लेड बाय अशोका, सर ये फाउंडेशन के लिए जो सांची स्तूप था किसने बनवाया था, अशोका ने, सांची है ना, अबाउट 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल टू मध्य प्रदेश, भोपाल इन मध्य प्रदेश, यानी जो उनके रिलीजन से, उनके एरिया से 45 किलोमीटर दूर था, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर था, है ना। देर आर फोर गेट वेज इन फोर डायरेक्शन, वहाँ पे चार गेट है, चार अलग अलग डायरेक्शन पे हैं। दे हैव कार्व्ड पैनल्स डिपिक्टिंग इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्ध एंड सम टेल्स फ्रॉम जातक स्टोरी, तो वहाँ पर बहुत सारे कार्व्ड पैनल्स यानी काफी सारी डिजाइनें बनी हुई है दीवारों पर, जो बताती हैं बहुत सारे इवेंट्स के बारे में, लाइक लाइफ ऑफ बुद्ध, बुद्ध की लाइफ के बारे में कुछ स्टोरीज है जातक स्टोरीज, तो वो भी उनके अंदर डिपिक्ट है। बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लाइक पीपल ट्री, बुद्धा को पीपल ट्री के सिंबल के साथ, लोटस के साथ, तो व्हील के साथ क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है वहां पर। द पिलर्स आर सरमाउंटेड बाय कैपिटल व्हिच कंटेन स्कल्पचर ऑफ लायन, इस पिलर की एक क्या बना दी, कैपिटल बना दी, खासियत बना दी गई है ना, जो क्या करता है, जो लायन के क्या करता है, स्कल्पचर को कंटेन करता है, देख गए आपको लाइन, ये रहे आज यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन से ज्यादा मार्क कराता हूँ आपको। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, तीनों ही आपके होमवर्क में।
बस यही अभी है ना, ये होमवर्क में आपका।